हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे, तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindersingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए, किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसी फेज में जो दूसरा काम हमें करना है वो है हमें एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर करना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी प्रिपेयर करने के लिए सेम कमांड यूज होगी बट विद डिफरेंट ऑप्शन। कमांड वही है सेटअप फॉरवर्ड स्लैश प्रिपेयर एडी और उसके बाद हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम हमारे एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। फ्रेश इंस्टॉलेशन है एक्सचेंज सर्वर 2010 की, तो मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन नेम यूज करना पड़ेगा। ये एक कंटेनर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और एक्सचेंज से रिलेटेड डेटा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में इस कंटेनर ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा। इस कमांड का करेक्ट फॉर्मेट इस तरह है कि सेटअप स्पेस फॉरवर्ड स्लैश प्रिपेयर एडी और उसके बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कोई भी नाम। तो मैंने यहाँ पे जो नाम यूज किया है वो है किंग ऑर्ग। आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, विदाउट ऑर्ग या विदाउट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज किया जा सकता है। तो चलिए इस कमांड को रन करते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। मैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ गया कमांड प्रॉम्प्ट में, उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारी एक्सट्रैक्टेड फाइल्स और सेटअप डॉट कॉम रखा हुआ है। अब कमांड रन करूंगा सेटअप फॉरवर्ड स्लैश प्रिपेयर एडी और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम कॉलन किंग ओआरजी और एंटर प्रेस करूंगा। ये दोबारा से आपको बोला है कि आप किसी भी की को प्रेस करके सेटअप प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं और पहले जाके लाइसेंस एग्रीमेंट्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई भी की प्रेस नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सेटअप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और लाइसेंस टर्म्स को एग्री करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फेज में इसने फाइल्स को कॉपी किया है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन चेक कर रहा है, तो ये भी कुछ समय लेगा। उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है वापस इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये कमांड भी हमारी सक्सेसफुली रन कर गई है। और इसके भी क्या फेजेस थे, देखिए पहले फेज में इसने हमें हमारी फाइल्स को कॉपी किया और सेकंड फेज में इसने प्रीरिक्विजिट्स चेक को परफॉर्म किया और उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेक्स में ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली और उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर किया और ये सारा का सारा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। यानी कि हमारी दूसरी कमांड सेटअप फॉरवर्ड स्लैश प्रिपेयर एडी भी सक्सेसफुली रन कर गई है। इस कमांड से देखिए हमारे एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो क्या चेंजेस हैं, मैं स्टार्ट पे जाता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाता हूं और यहां से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करता हूं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। अपने डोमेन king.jst को एक्सपेंड करता हूं और यहां पे देखिए एक नया ओयू मेरा क्रिएट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स, और इसके अंदर मेरे बहुत सारे ग्रुप्स भी ऐड हो गए हैं। तो अगर मेरी कमांड setup.com/prepareedi सक्सेसफुली रन कर जाती है तो आपके डोमेन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऐड हो जाता है और उसमें कुछ ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाते हैं। एक और जगह से भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाते हैं और यहां से ADSI एडिट या HC एडिट को क्लिक करते हैं। तो HC एडिट स्नैप इन आपके सामने है। तो HC एडिट या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंटरफेस एडिटर एक लो लेवल एडिटर होता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए। HC एडिट को राइट क्लिक कीजिए और कनेक्ट टू को क्लिक कीजिए। आपके सर्वर का नाम आ रहा है और डिफॉल्ट नेमिंग कॉन्टेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है वहां से आप कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए कॉन्फ़िगरेशन ex1.king.jst आपके सामने आ गया है, इसको एक्सटेंड कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन DC=king DC=jst को डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से सर्विसेज पे जाइए और इसको डबल क्लिक कीजिए
और देखिए यहाँ पे आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इसको डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए आपके एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिखा रहा है। तो सेटअप फॉरवर्ड स्लैश प्रिपेयर एडी कमांड से हमने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर कर लिया एक्सचेंज सर्वर के लिए। इस कमांड को रन करने के बाद नए एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नए सिक्योरिटी ग्रुप्स, जिससे कि मैं आगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बना सकता हूँ।